हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिशा मंजरकता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी फॉर वीआई। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी नेचुरल रीडर ऐप के बारे में, जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ रीड कर सकते हैं। और इसकी की वॉइस है और बहुत अच्छी वॉइस है। तो ऐप का रिव्यू शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए कीजिए, ताकि शेयर करने से हमारी ये जो यूज़फुल नॉलेज है वो सबके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल रीडर इस ऐप का रिव्यू। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी और ये ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं नेचुरल रीडर, इसमें चलते हैं। अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। ओपन यूजर मेन्यू, मेन्यू पॉपअप बटन। पहले ओपन यूजर मेन्यू का बटन है यहाँ एक। ओपन डॉक्यूमेंट्स बॉटम बटन बटन। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए वो रीड करेगा। प्ले बटन, यहाँ से प्ले कर सकते हैं। प्ले स्पीकर मेन्यू, स्पीकर मेन्यू, स्पीड मेन्यू, स्पीड मेन्यू, ओपन यूजर नेव मेन्यू, मेन्यू पॉपअप बटन। ये यूजर नेव मेन्यू है की हेडिंग। यूजर मेन्यू, एडवांस मेन्यू, एडवांस मेन्यू की हेडिंग। रीडिंग बार सेटिंग्स मेन्यू, रीडिंग बार सेटिंग्स। डिस्लेक्सिया स्लाइड, डिस्लेक्सिया फॉन्ट, फॉन्ट और साइड को एडजस्ट करने के लिए। डिस्लेक्सिया स्लाइड स्विच चेक्ड, और ये स्लाइड स्विच वो है वो नॉटिक है। डिस्लेक्सिया फॉन्ट, डिस्लेक्सिया फॉन्ट। पेस्ट टेक्स्ट बटन, यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट करके इससे रीड करवा सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन, फॉन्ट साइज बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन, यहाँ से कम कर सकते हैं। क्लोज बटन, क्लियर टेक्स्ट बटन, यहाँ पे ये इसे क्लोज करके वो जो टेक्स्ट आपने अगर यहाँ पे कोई लिखा है तो उसे आप लोग वो है क्लियर कर सकते हैं। टाइप पेस्ट एंड एडिट टेक्स्ट हियर। Natural Reader Online is a text-to-speech web application that converts any written text into spoken words. Use Google Drive, Dropbox, OneDrive, or Inklet from your mobile to upload and instantly listen to documents on the go. Premium users can even take a picture of printed books to listen to using OCR, text box. तो अभी text box में लिखा है तो इसने बताया है कि आप इससे कोई भी text यहाँ पे type करो, paste करो और आप वहाँ से read करवा सकते हो, documents भी read करवा सकते हो। तो अब हम इसके यूजर मेन्यू में चलते हैं। टाइप पेस्ट एंड एडिट, ओपन यूजर मेन्यू, मेन्यू पॉपअप बटन, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडियो बटन, मेन्यू आइटम। तो इसने बोला डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडियो बटन, मेन्यू आइटम। पी बटन, मेन्यू आइटम। पी बटन, सेटिंग्स बटन, मेन्यू आइटम। सेटिंग्स इस ऐप की। फैब बटन, मेन्यू आइटम। फैब। रीसेट रीडर बटन, मेन्यू आइटम। इससे आप रीडर को रीसेट कर सकते हो। अपग्रेड बटन, बटन। इससे आप प्रीमियम खरीद सकते हो। अब हम सेटिंग पे जाएंगे। वर्जन कोड, यहाँ पे बस वर्जन ही है। अपग्रेड, रीसेट, फैक्ट बटन, सेटिंग्स बटन, मेन्यू आइटम। सेटिंग्स पे जाएंगे। ओपन यूजर मेन्यू, मेन्यू पॉपअप बटन। तो इसने फिर से बोला ओपन यूजर मेन्यू, कुछ ऑप्शंस तो वही हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए। वर्ड हाईलाइट ऑप्शन, रीड द रिडर मोड, रीडिंग बार सेटिंग्स, मेन्यू, मेन्यू। तो ये हेडिंग है रीडिंग बार सेटिंग्स, तो यहाँ से इसकी सेटिंग शुरू हो जाती है। सेटिंग्स, क्लोज बटन, सेटिंग्स, मेन्यू बटन। यहाँ पे आप सेटिंग क्लोज कर सकते हो। डार्क मोड, डार्क मोड। थीम स्लाइड, थीम्स, थीम स्लाइड स्विच अनचेक्ड, ये अनचेक्ड है। डिसलेक्सिया फॉन्ट, डिसलेक्सिया फॉन्ट, डिसलेक्सिक स्लाइड, स्लाइड ये हमने बाहर देखा था। डिसलेक्सिक स्लाइड स्विच अनचेक्ड, ये स्विच का भी अनचेक्ड है स्लाइड वाला। वर्ड हाईलाइट ऑप्शन टू हाईलाइट ईच वर्ड, ये वो ऑप्शन है जिससे आप अपने टेक्स्ट का एक एक वर्ड हाईलाइट कर सकते हो। वर्ड हाईलाइट स्लाइड, ये इसका स्लाइड। वर्ड हाईलाइट स्लाइड स्विच अनचेक्ड, और ये चेक्ड है। रीडिंग सेटिंग्स, रीडिंग सेटिंग्स ऑप्शन टू स्किप रीडिंग टेक्स्ट, रीडिंग को स्किप करने के लिए ऑप्शंस। रीड ऑप्शन बटन, बटन, रीड ऑप्शन स्पेस, फ्री टेक्स्ट टू स्पीच ऑनलाइन विद नेचुरल वॉइसेस, रीड ऑप्शन बटन, बटन। तो अब खत्म होता है। अब हम कोई डॉक्यूमेंट
सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। पहले मैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके आ जाती हूँ। स्क्रीन लॉक्ड। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, वो लोड हो रहा है हमारा, तो हम इसे लोड होने देते हैं। Consequences of deforestation. Why would deforestation lead to an increase of carbon dioxide? Play button. तो ये हमारे लोड हो चुका है। अब हम मैं प्ले बटन पे क्लिक करती हूँ तो आप इसकी वॉइस सुनिए, बहुत अच्छी वॉइस है। अब ये जो आपने सुना वो मेरा बस टीटीएस पढ़ा था, अब इसकी वॉइस सुनते हैं। Consequences of deforestation. We will deforestation lead to an increase of carbon dioxide in the atmosphere and global warming. Plants use carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen, maintaining the atmospheric balance. Fewer trees mean that less carbon dioxide will get recycled in this manner. Carbon dioxide traps heat rays reflected by the earth, which increases in temperature on the earth and leads to global warming. How does deforestation cause droughts and reduction in rainfall? When trees are cut down, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere increases, which causes global warming. Moreover, plants absorb water from the soil and release it in the air through transpiration. It is this moisture in the air which eventually turns into clouds and returns to earth as rainfall. Deforestation and तो देखा आपने कि इसकी कितनी अच्छी वॉइस है। आप चाहे तो इसे अपने पीडीएफ के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आपके लिए इमेज भी रीड करे तो आप इसका प्रीमियम भी खरीद सकते हैं। तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।